हरिद्वार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां कई सालों से कमरे में कैद भाई बहन को बाहर निकाला गया। पड़ोसियों की सूचना के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की टीम ने दोनों बच्चों को कमरे से बाहर निकाला। आपकी कभी बात होती थी सिस्टर से? होती है, जब मैं कुछ मांगना होता है उससे, आप उसने अपना कोई मम्मी से बुलवाना होता है तो। अच्छा, पढ़ाई कब से आपने छोड़ रखी है? 2016 के जनवरी से। अच्छा, आप स्कूल में जाते क्यों? मैं मन नहीं लगता पढ़ाई में। ये मामला हरिद्वार के रानीपुर इलाके का है। परिवार का कहना है कि 2013 में बेटी की 10वीं की परीक्षा में कंपार्टमेंट आई। परिवार की डांट के बाद बेटी ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। 2014 में जब भाई के भी परीक्षा में कम नंबर आए तो उसने भी खुद को कमरे में कैद कर लिया। जब लंबे वक्त से बच्चे घर के बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों ने चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस को इसकी सूचना दी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि बच्चे अपनी जरूरत की सभी चीजें पर्चियों के जरिए कमरे में मंगवाया करते थे। बच्चे अपनी इच्छा से अंदर रहते हैं, स्कूल भी जाना छोड़ दिया है और अंदर ही खाना वाना जो भी मांगते हैं वो सब कुछ अंदर ही मिल रहा था। बच्चे जो है अपनी इच्छा से अंदर रह रही है। लड़की यही कह रही है कि मैं अपनी इच्छा से अंदर हूँ। पुलिस का कहना है कि बच्चे अब कमरे से बाहर आने के लिए तैयार हैं और बच्चों को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की सलाह दी गई है। 4 साल से अगर वो बंद है तो इतना लंबा पीरियड कैसे पेरेंट्स ने झेला, ये भी एक क्वेश्चन वाली बात है। लेकिन अब पीछे वाले को हम इरेज तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हमें सूचना मिली इस पर कार्रवाई हुई है। कुल मिलाकर अब ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि बच्चों ने खुद ही अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था या कहानी कुछ और ही थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर बच्चों ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था तो बच्चों के माता पिता ने उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए क्या कुछ किया। हरिद्वार से आरती पांडे के साथ संदीप उपाध्याय, नवोदय टाइम्स।